वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और जो हम जामिया एमबीए के लॉजिकल जो क्वेश्चंस थे, रीजनिंग पजल्स जो आई थी, उसका हम डिटेल सॉल्यूशन बना रहे हैं। आंसर की तो तभी बना दी थी, बट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका डिटेल सॉल्यूशन। तो पिछले पार्ट में हमने दो सेट डिस्कस किए थे, और इस पार्ट में हम तीन सेट डिस्कस करने जा रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई के क्वेश्चंस की। बट उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूँ, बहुत अच्छी न्यूज़ है कि बच्चों का सिलेक्शन जो हो चुका है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। कल एक लिस्ट आ गई थी जामिया की जीडीपीआई के लिए, तो जो हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सबसे पहले तो अदनान, जो हमारी कोचिंग के स्टार है, वही एमबीए फुल टाइम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एमटीटीएम, एचआरएम, चारों में इनका नाम आ गया जीडीपीआई के लिए। देन सकलैन, फैजान, वली, रहनुमा हसन एंड हसन अब्बास, तो ये हमारी कोचिंग के स्टूडेंट थे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और दो स्टूडेंट का स्पेशली मैं अलग से नाम लेना चाहूँगा, अलीका और इफ्तिखार। तो मैं ज़रूर इनका प्रे करूँगा कि इनका सिलेक्शन हो। तो ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, तो होप ये उनके साथ आपके कोलीग होंगे, और जो बाद में दे रहे हैं उनके लिए ये सीनियर रहेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट जिनका नाम आ चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल सॉल्यूशन। तो इसकी आंसर की तो जब एग्ज़ाम हुआ था तभी हमने बना दी थी आंसर की, बट स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, कि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, तो डिटेल सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। तो तीन सेट है जो आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेट। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कहूंगा कि बच्चों के लिए जिन्होंने इसको समझ लिया होगा उस फौरन चारों क्वेश्चन के आंसर कर दिए होंगे बिना कोई टाइम लगाए। एक्चुअल में हुआ क्या है, इस सेट में ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन टेबल ही एग्जाम के पेपर में दे दी गई थी। ये एक्चुअल में सॉल्यूशन टेबल है। आप मेरा अगर वीडियो देखेंगे जब मैंने आंसर की बनाई थी, तो जब इस क्वेश्चन पर आया था तो मैंने कहा था कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं बनाऊंगा तो डिस्कस करूंगा। तो डिटेल सॉल्यूशन ये है कि ये सॉल्यूशन ही टेबल दे दी थी क्वेश्चन में, मतलब आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ ये टेबल देखनी थी और आंसर करना था। तो एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर फोर फ्रेंड्स दे रखे हैं ए बी सी डी, जो कि एक गेम खेलते हैं। दे स्टार्ट विद डिफरेंट अमाउंट, सबने डिफरेंट अमाउंट किया, बट एंड ऑफ फोर राउंड्स दे एंड अप विद 1024। तो देखिए फोर राउंड के बाद की अमाउंट दे दिए, चारों एक ही अमाउंट पे एंड करते हैं, और स्टार्ट चारों ने क्या करा था, अलग अलग अमाउंट से दिया था। रूल क्या था कि जो भी रैंक वन होगा उसकी अमाउंट फोर टाइम्स हो जाएगी, जो रैंक सेकेंड होगा उसकी ट्वाइस हो जाएगी, और जो उसकी रैंक थर्ड होगी उसकी अमाउंट सेम रहेगी, और जिसकी फोर्थ होगी वो उतनी अमाउंट लूज कर देगा जितना फर्स्ट और सेकेंड ने गेम में गेन किया, यानी कि सबका टोटल सेम रहना। तो इस रूल को फॉलो करते हुए हमें निकालना था। तो इसकी जो एक्चुअल टेबल क्वेश्चन में देनी थी वो ये देनी थी, मैं आपको बना देता हूँ। यहाँ पर टेबल टेबल आनी थी इस फॉर्म में, लेकिन बच्चों का अच्छा लक कहिए या जो भी कहेंगे कि इसमें आंसर ही टेबल दे दी गई थी। तो देखिए इसमें इस तरीके से टेबल बननी थी कि पोजीशन शो होनी थी और इधर शो होने थे राउंड। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन, ये पोजीशन बननी थी और राउंड आने थे 1 2 3, और एक और ऐड कर लेते हैं फोर राउंड। ऐसे फोर राउंड आने थे, यानी टेबल जो एक्चुअल में बननी थी वो मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, इस तरीके से होनी चाहिए थी। तो देखिए ये कोई भी आपको सॉल्यूशन में नहीं बताएगा, ना कोई डिस्कस करेगा, बिकॉज किसी ने सॉल्व इतना नहीं करा होगा। तो मैंने काफी डिटेल सॉल्यूशन देने के बाद ये चीज देखी कि ये टेबल बननी चाहिए थी, और ये अमाउंट है, ये सॉल्यूशन टेबल है जो क्वेश्चन में दे दी गई है। तो इस तरीके से आना था, ए बी सी बी, फर्स्ट राउंड में इनकी ये रैंक है, बी ए डी सी ये सेकंड राउंड की रैंक है, सी बी ए डी ये थर्ड राउंड की रैंक है, एंड डी सी बी ए ये फोर्थ राउंड की रैंक है। तो क्वेश्चन में ये टेबल आनी थी, इट इज अ क्वेश्चन टेबल।
तो जो लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं, क्वेश्चन को उन्हें अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग आगे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो आप इस टेबल को नहीं लें, इस टेबल से सॉल्व करने की कोशिश करें। इस टेबल से आपको ये सॉल्यूशन टेबल बनानी है, और उसके लिए रूल यहाँ दे रखे। तो बट इस बार सीधे दे दी गई थी, तो सीधे इसे टेबल देख के बस आपको आंसर करना था। जैसे क्या दे रखा है, हु हैज द लीस्ट अमाउंट एट द एंड ऑफ राउंड थ्री। राउंड थ्री के बाद सबसे लीस्ट अमाउंट किसकी है, देखिए 256 आंसर सीधे टेबल दे रखी थी, यानी डी। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट एनीवन हैड इन एनी ऑफ द फोर राउंड्स। मैक्सिमम अमाउंट कितनी है, देखिए यहाँ दिख रही है 2304, और इससे बड़ी कोई अमाउंट नहीं है, यानी मैक्सिमम अमाउंट क्या थी, 2304। ये रहा बी आंसर, ये तो बिल्कुल सीधे सीधे आपको आंसर थे। हु हैज द लीस्ट अमाउंट बिफोर द गेम स्टार्टेड। गेम स्टार्टेड यानी इनिशियली सबसे किसके पास कम थे, ए के पास। तो आंसर इज ए, यानी ऑप्शन सी। एट द एंड ऑफ विच राउंड डिड सी हैव द लीस्ट अमाउंट अमंग ऑल फोर। तो किस राउंड पर सी के पास सबसे कम है, तो सी के पास किस राउंड में सबसे कम है, ये देखिए 122, यानी एट द एंड ऑफ राउंड टू। तो इसके ये आंसर थे, यानी सीधे आपको सॉल्यूशन टेबल दी हुई थी, इसे देख के करना था। तो ये चीज मैंने समझाने के लिए, और जो इसको सॉल्व करना चाहते हैं वो इस क्वेश्चन टेबल को ले, दिस इज क्वेश्चन टेबल, ये रूल्स हैं, तब आप सॉल्व करें। तो इसमें हमें सीधे बैकवर्ड मूव करके हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये एक सेट था, अब आते हैं नेक्स्ट सेट पर, जिसमें डक्स का क्वेश्चन दे रखा है। अम्पी बम्पी चम्पी डम्पी पम्पी फाइव डक्स, दे हैड दिस मच एग। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक सिंपल सी टेबल बनानी थी। इनिशियली उनके पास कितने एग्स हैं, 1 2 3 4 5, कितने ले एग किए उन्होंने, 1 2 3 4 5, और फाइनल या टोटल कितने एग्स हैं, 4 5 6 7 8। अब कौन सी डक से मैच करना है ये हमें देखना है, अम्पी बम्पी चम्पी डम्पी पम्पी। तो बस इसको मैचिंग करनी, मैचिंग का क्वेश्चन था बस, और कोई दिमाग नहीं लगाना था आपको। डम्पी है 2x, यानी डम्पी के साथ क्या आएगा, इनिशियली है 2x, तो दिस इज 2, इनिशियली है 2x, एंड एंडेड अप विथ 7। 7 से कब एंड करेगा, जब वो कितने ले करेगा एक, 5, तो 2 और 5 ले करके 7। तो डम्पी आ गया ये, यहाँ मैं एक अलग टेबल भी आपके लिए बना देता हूँ, ताकि उस टेबल में हम क्या करेंगे, उनको रखते रहेंगे। थोड़ी सी ऊपर कर लेता हूँ जगह, हाँ बस इतना काफ़ी है। तो यहाँ हम एक फाइनल टेबल अपनी रेडी करते चले जा रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज रखते रहेंगे जो एक फाइनल टेबल में हमें चाहिए। तो फाइनल टेबल में हमें चाहिए है डक्स, इनिशियल कितने थे, कितने ले किए, और कितने टोटल है। इनिशियल कितने ले किए, कितने टोटल, और यहाँ पर आ जाएंगे डक्स, ए बी सी डी एंड टी। बस इस टेबल में जो जो हमें पता चलता जाएगा उसको फिट करते चले जाएंगे, ए बी सी डी और टी, 5 डक्स है तो उनका नाम। तो पहला तो हमें ये पता चल गया, देखो डम्पी, तो डम्पी के पास इनिशियली कितने हैं, 2, कितने ले किए उसने, 5, तो टोटल हो गए 7, डम्पी इज 257। बस जल्दी से अब हम कर लेंगे, बम्पी लेट 3x एंड डिड नॉट एंड इन 8x। तो बम्पी कितने ले कर रहा है x, 3x बम्पी, और इसमें 8 नहीं आएंगे, यानी बम्पी अगर 3 कर रहा है ले एक्स, तो 8 आने के लिए यानी 5 होता उसके पास, तो 5 और 3 मिलके 8 होता, तो वो नहीं करेगा 5। क्या 4 इनिशियली से स्टार्ट कर सकता है, तो 4 और 3 7, बट 7 पहले ही डम्पी कर चुका है, ये भी नहीं होगा। तो 3 के लिए या तो 3 बच रहा है या 1 बच रहा है, दो ही ऑप्शन बच रहा है। अभी हम आगे देखेंगे क्या करेगा, क्या हो सकता है। तो हम देखिए उसको इस तरीके से मैचिंग को स्टार्ट करने के लिए दूसरा तरीका सोचते हैं। दूसरा हम ये सोचते हैं कि पम्पी ने अगर 5 से शुरू किया है,
नहीं, मान लो इनिशियली कोई डक है जिसके पास 5 इनिशियल है, तो वो कितने ले कर सकता है? देखो, अगर वो 5 प्लस 5 करेगा तो 10 हो जाएगा, यानी 5 5 के साथ नहीं जा सकता। 5 प्लस 4 करेगा यानी 5 इनिशियल 4 ले करेगा तो 9, ये भी नहीं हो सकता। 5 प्लस 3 8 हो सकता था, लेकिन सेकेंड इन्फॉर्मेशन में ये दे दिया तो 3 भी नहीं आ सकता। अब सिर्फ क्या बचा, 5 प्लस 2 7, 7 पहले ही डंप ही कर चुका है तो ये भी नहीं होगा। तो यानी 5 के साथ सिर्फ क्या बचा, 5 विल गो विथ 1 एंड 6। तो 5 के पास एक ही ऑप्शन है, 5 1 6। ऐसी अब हम देख लेते हैं कि ये 4 के साथ किस में आएगा। जिस जो डक ने इनिशियली 4 से स्टार्ट किया तो उसके साथ 5 नहीं आ सकता, क्योंकि 4 प्लस 5 9 हो जाएंगे। 4 प्लस 4 8 हो सकता है, 4 प्लस 3 7 भी नहीं हो सकता, 4 प्लस 2 6 होता लेकिन 6 पहले से ऑक्यूपाई है, 4 प्लस 1 1 पहले से ऑक्यूपाई है। तो 4 जो डक है जो इनिशियली हुई, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो 4 ले एक्ट करेगी और वो जाएगा 8। कौन सी डक ने करा ये हम बाद में देखेंगे। तो 4 प्लस 4 8 हो गया। अब सिर्फ हमारे पास दो ही ऑप्शन बच रहा है, हम आ जाते हैं उस पर। 3, जो डक ने 3 से इनिशियली स्टार्ट किया, तो देखिए 3 के साथ ये सारे तो ऑक्यूपाई हो गए, 3 प्लस 3 नहीं हो सकता क्योंकि 6 पहले से ऑक्यूपाई है। तो सिर्फ क्या बचा, 3 प्लस 2, तो 3 जाएगा 2 के साथ, यानी 3 इनिशियली और ये बनेगा 5। एंड लास्ट जो हमारे पास बच रहा है दैट इज 1, 1 के साथ जाएगा 3 एंड 3 विल गो विथ 4। तो 1 इनिशियली ने करा, 3 ले किया और दिस 4, तो ये बस मैचिंग करनी थी। अब हम मैच कर लेते हैं किसके साथ जा रहा है। 3 ले एक करने वाली कौन है, बम्पी लेड 3x। तो बम्पी लेड 3x यानी कि इनिशियली उसके साथ है 1, तो 1 प्लस 3 इज 4, तो बम्पी के लिए बन गया 1 प्लस 3 प्लस 4। अब क्या दिया, पंपी डिड नॉट ले 1 और 2 eggs, तो पंपी ना तो 1 ले कर रही है ना ही 2 कर रही है। 3 बम्पी ने कर दिया तो ये भी नहीं कर सकती, और 5 इसने कर दिया ये भी नहीं कर सकती। तो पंपी कौन सी बची, 4 ले करने वाली। तो 4 ले करने वाली का कॉम्बिनेशन है 4 प्लस 4 इज 8। अब दोस्त हमारे पास बच रहे हैं, एक ने 3 से स्टार्ट किया है दिस वन, और एक ने 5 से स्टार्ट किया, बाकी सारे हमारे हो गए। तो 3 और 5 के लिए देखिए लास्ट इंफॉर्मेशन यूज होगी, अम्पी एंडेड विद नंबर ऑफ एग्स चम्पी स्टार्टेड विद। अम्पी के पास फाइनल उतने आगे जितने चम्पी ने स्टार्ट किए, तो चम्पी हमेशा ज्यादा से स्टार्ट कर रहा है, तो चम्पी विल बी 5। तो चम्पी 5 से स्टार्ट करेगा, और 5 वाला कर रहा था 1 ले करेगा एग, और टोटल होंगे 6। और अम्पी जो बचा इज 3, दिस इज अम्पी, तो इसने 3 से स्टार्ट किया, 3 से 2 और ये बनेगा 5। तो देखिए जितना अम्पी ने एंड किया है चम्पी ने उतने से स्टार्ट किया। बस ये टेबल थी, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था हमें, सिंपल है। एक बार फिर से आप गो थ्रू करिए, बस मैचिंग करनी थी इनिशियल ले और टोटल एग्स को, और फिर मैच करना था कि कौन सा डक है, अम्पी है, बम्पी है, चम्पी है, डम्पी है या बम्पी है। बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसी मुश्किल नहीं थी। बट प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी क्वेश्चंस। जामिया ने इस पेपर इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन सही दिया था, बाकी तीनों क्वेश्चन रॉन्ग थे। द डक दैट एंडेड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एग स्टार्टेड विद हाउ मैनी नंबर ऑफ एग्स। तो कितने नंबर ऑफ एग्स से स्टार्ट किया था ना, जिसके पास मैक्सिमम नंबर है, तो मैक्सिमम इज 8 और वो डक है पंपी। बट यहाँ नाम नहीं पूछा है, नाम नहीं पूछा था, पूछा था कितने नंबर ऑफ एग्स से स्टार्ट किया है। तो आंसर शुड बी 4 eggs, और यहां पर दे रखे थे नाम, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन था। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी पिछली बार, रॉन्ग क्वेश्चन था, यहाँ आंसर होना चाहिए था 4। ये सिंपल था, ये सही था। व्हाट इज द नेम ऑफ डक दैट लेड 1 egg, तो 1 egg ले करने वाली डक थी चंपी, आंसर इज सी। इसी तरीके से हाउ मैनी एग्स द डक दैट एंडेड विद 6, तो हाउ मैनी एग्स द डक दैट एंडेड विद 6 eggs ले, तो जिसके पास 6 थे उसने, वो थी चंपी, उसने कितना ले किया था, 1 egg, इसमें आंसर होना था 1 egg। ये सारे गलत थे,
हाउ मैनी एग्स द डक दैट स्टार्टेड विथ 3 एग्स ले, जिसने 3 से स्टार्ट किया उस पे उसने कितने ले करे, तो 3 से स्टार्ट करने वाली अम्पी और उसने ले किए 2 एग्स, तो यहाँ पर आंसर होता है 2 एग्स। ये भी गलत है, प्रॉब्लम इज दिस, बट जो लोग आगे की तैयारी के लिए देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कैसे सॉल्व होता है। और लास्ट सेट आज के वीडियो का, 10 स्टूडेंट्स ए बी सी डी कहेंगे हम उन्हें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आर ओनली पार्टिसिपेंट इन एन इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, दे आर ऑल फ्रॉम 3 डिफरेंट कॉलेज, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड एंड ऑक्सफोर्ड, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फ्रॉम टू नो टू कॉलेजेस इज द सेम, यानी सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट नहीं होंगे, तो 10 स्टूडेंट है और 3 कॉलेज है, तो हम यहाँ टेबल बना लेते हैं, लेट 3 कॉलेजेस भी हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड एंड ऑक्सफोर्ड, तो इसमें से 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 पार्टिसिपेंट हैं, इन्हें हमें फिट करना है, इस तरीके से करना है कि सेम नहीं होने चाहिए किसी भी कॉलेज में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एग्जैक्टली 2 ऑफ ब्रायन, एल्विन एंड जॉर्ज आर फ्रॉम हार्वर्ड, तो पहली इन्फॉर्मेशन दे रखी है हार्वर्ड में से ब्रायन, एल्विन, जॉर्ज, इन 3 में से कोई 2 होंगे, एनी 2, पहली इन्फॉर्मेशन तो हमें ये मिल गई। नेक्स्ट क्या पता चला, फ्रैंक एंड एलेक्स आर फ्रॉम डिफरेंट कॉलेज एंड नीदर ऑफ देम इज द कॉलेज फ्रॉम वेयर द मैक्सिमम पार्टिसिपेंट आर, चार्ली एंड याना आर सेम कॉलेज, डेरेक, हरीश एंड जोसेफ आर फ्रॉम डिफरेंट कॉलेज, हरीश इज फ्रॉम स्टैनफोर्ड, देखो ये एग्जैक्टली चीज पता चल गई, पहले हम वो लिख लेते, तो हरीश इज फ्रॉम स्टैनफोर्ड एंड डेरेक इज सेम कॉलेज एलेक्स, तो पहली चीज हमें क्या पता चली, हरीश इज फ्रॉम स्टैनफोर्ड। और अब हम आते हैं फोर्थ इंफॉर्मेशन, देखिए डी एच जे, मैं शॉर्ट में ही बोलूंगा सबके नाम, डी एच और जे आर फ्रॉम 3 डिफरेंट कॉलेजेस, तो डी एच और जे क्या है, तीनों अलग अलग कॉलेजेस से, इसमें एच तो है स्टैनफोर्ड से, तो हमें ये पता चल गया, यानी डी और एच क्या होंगे, एक हार्वर्ड से होगा और एक स्टैनफोर्ड से होगा, तो देखिए हार्वर्ड का एट लीस्ट 2 तो इसी में से थे और एक इनमें से आना है, तो मिलके यानी हमें ये पता चल गया हार्वर्ड से एटलीस्ट 3 तो है पार्टिसिपेंट, एटलीस्ट 3 तो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें पता चली, एटलीस्ट 3 है। अब देखो क्या दे रखा है, फ्रैंक एंड एलेक्स आर फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस एंड नीदर ऑफ देम इज फ्रॉम अ कॉलेज फ्रॉम वेयर द मैक्सिमम पार्टिसिपेंट, तो अगर हम मान लेते हैं फ्रैंक या एलेक्स किसमें से, हार्वर्ड में से है, तो फ्रैंक और एलेक्स के आने से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगे, तो 4 होने से मतलब ये है कि अगर ये मैक्सिमम नहीं है, यानी थोड़ा सा समझना, देखो अगर हार्वर्ड वाले 4 हैं और ये मैक्सिमम पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट वाला कॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब एटलीस्ट स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड में से किसी के 4 4 होंगे किसी का, और 4 और 4 दोनों सेम अलाउड नहीं है, इसका मतलब फ्रैंक एंड एलेक्स हार्वर्ड में से नहीं है, हम ये मान के करेंगे क्वेश्चन, तो हार्वर्ड में से नहीं है तो इसका मतलब हार्वर्ड में से होंगे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट, तो हार्वर्ड में से मैक्सिमम पार्टिसिपेंट विल बी 5 और स्टैनफोर्ड या ऑक्सफोर्ड में से 2 और 3 के कॉम्बिनेशन, क्योंकि सेम अलाउड नहीं है, तो हमें यह पता चल गया कि हार्वर्ड के 5 हैं और स्टैनफोर्ड या ऑक्सफोर्ड में से किसी के 2 हैं किसी के 3 हैं, क्योंकि सेम नहीं हो सकते, तो यही कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हमें एक इंफॉर्मेशन पता चल गई कि हार्वर्ड में से तो 5 आएंगे, स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड में से 2 3 का होगा। अब हम देख लेते हैं क्या क्या बनेगा, अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन नंबर 5, हरीश इज फ्रॉम स्टैनफोर्ड, ये तो हमने यूज कर लिया, डेरेक इज फ्रॉम द सेम कॉलेज एज एलेक्स, डेरेक्स और एलेक्स सेम कॉलेज है, यानी डी और ए, तो देखो अगर डी और ए सेम कॉलेजेस में से हैं, तो हम अगर डी पे फोकस करें, हार्वर्ड से तो हमें पता है डी और ए, अभी हमने डिस्कस किया था कि हार्वर्ड से तो नहीं हो सकते, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था फ्रैंक एंड एलेक्स का, अब बचा या तो ऑक्सफोर्ड या स्टैनफोर्ड, ठीक, अगर हम देखें स्टैनफोर्ड, स्टैनफोर्ड में अगर इसे रखने की कोशिश करें तो डेरेक्स और एलेक्स हो जाएगा सेम कॉलेज, हरीश इज फ्रॉम स्टैनफोर्ड,
हरीश को स्टैनफोर्ड से दिया और वो अलग दिया है, यानी हरीश जो है वो स्टैनफोर्ड से है, तो डेरेक्स और एलेक्स स्टैनफोर्ड से नहीं है। यानी हमें क्या पता चला, डेरेक्स और एलेक्स डी और ए किस कॉलेज से, ऑक्सफोर्ड। तो डी और ए किस कॉलेज से है, एक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड से, ये हमें पता चल गया। तो डी और ए हो गए इससे। अब फ्रैंक एंड एलेक्स डिफरेंट कॉलेजेस से और हार्वर्ड से नहीं है, तो एलेक्स अगर ऑक्सफोर्ड से है तो हार्वर्ड से फ्रैंक नहीं हो सकता, तो फ्रैंक हो गए स्टैनफोर्ड से। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब क्या बचा लास्ट इंफॉर्मेशन, चार्ली एंड यान, सी एंड आई फ्रॉम सेम कॉलेज। तो देखिए स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड से नहीं हो सकते, क्योंकि हमें पता दो या तीन का कॉम्बिनेशन होगा, यानी सी और आई किससे हैं, दे आर फ्रॉम हार्वर्ड। तो ये हमारी एक फाइनल टेबल है जो कि बन गई है क्वेश्चन के हिसाब से, जिसमें हमें ऑक्सफोर्ड से पता है डी और ए है, स्टैनफोर्ड में कंफर्म पता है एच और एफ है, हार्वर्ड में कंफर्म पता है सी और आई है, और इन तीन में से कोई दो है। तो दिस इज द फाइनल टेबल। अभी एक रह गया, सॉरी कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9, एक कोई रह गया है, देखना पड़ेगा कौन रह गया अभी। बी हो गया, ई जी सही है, एफ एंड ए हो गया, सी एंड आई हो गया, डी एच जे, जे रह गया जोसेफ। तो डायरेक्स, हरीश, जोसेफ तीनों अलग कॉलेज से, तो डायरेक्ट है ऑक्सफोर्ड में, हरीश है स्टैनफोर्ड में, तो जोसेफ किस में होगा, यस जोसेफ भी हार्वर्ड में। तभी तो पांच होंगे, देखो तीन ये और दो इनमें से, पांच, एक इनमें से स्टैनफोर्ड या ऑक्सफोर्ड हो सकता है। दिस इज अवर फाइनल टेबल। तो ये हमारी फाइनल टेबल है, दिस इज फाइनल। अब बस इसी के बेस पे आंसर करना था। इफ जोसेफ एंड ब्रायन आर फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। जोसेफ एंड ब्रायन आर डिफरेंट, तो देखो जोसेफ तो हार्वर्ड में कंफर्म है, ब्रायन डिफरेंट है, यानी ये ब्रायन क्या होगा, या तो स्टैनफोर्ड में होगा, या फिर या तो इसमें जाएगा या फिर इसमें जाएगा। अब देख लेते हैं उसके हिसाब से आंसर। ब्रायन एंड एलेक्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, ब्रायन एंड एलेक्स देखिए डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता, हो भी सकता और नहीं भी। ब्रायन इज फ्रॉम सेम कॉलेज एज हरीश, तो ब्रायन के साथ जरूरी नहीं है, डेफिनेटली ट्रू नहीं है, नन ऑफ द अबव में। एलविन एंड ईयान, ई एंड आई, तो देखो अगर ब्रायन अलग कॉलेज में है तो ई और जी यानी इसमें होंगे, और ई और आई इसी में आएंगे, दिस इज डेफिनेटली ट्रू। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज स्टूडेंट कैन नॉट बी फ्रॉम द कॉलेज फ्रॉम वियर द लीस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर। तो लीस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट देखिए अभी तक हमें कन्फर्म नहीं है, इट कैन बी स्टैनफोर्ड, इट कैन बी ऑक्सफोर्ड, लेकिन हमें पता है हार्वर्ड नहीं होगा। तो अगर हार्वर्ड का कोई भी कन्फर्म बंदा है, कन्फर्म देखिए तीन ही है अभी तक, सी जे और आई, तो ये लीस्ट वाले से नहीं होंगे। तो ऑप्शन में देखिए सी जे आई में से ही कोई ना कोई होगा जे। इनका कॉलेज या तो स्टैनफोर्ड है या ऑक्सफोर्ड है, और इनमें से कोई भी लीस्ट हो सकता है, बट इट इज़ फ्रॉम हार्वर्ड, और ये श्योरिटी के साथ कंफर्म नहीं है कि ये लीस्ट वाला पार्टिसिपेंट कॉलेज है। तो अवर आंसर विल बी ऑप्शन ए, जोसेफ। लास्ट क्वेश्चन, विच टू ऑफ दीज आर डेफिनेटली फ्रॉम डिफरेंट टू कॉलेज। देखिए डेफिनेट, डेफिनेट में फिर वही चीज़, सात लोगों का हमें डेफिनेट है, तीन का डेफिनेट नहीं है। तो डेफिनेटली फ्रॉम टू कॉलेजेस, ई एंड एफ, देखो ई इसमें से है तो जरूरी नहीं कि ई इसके साथ हो भी सकता है एफ के साथ और नहीं भी। तो आंसर इज रॉन्ग, आई एंड डी, आई कहाँ है, ये रहा आई, और डी है ये, यस देखो ये दोनों कंफर्म है, डी ऑक्सफोर्ड में कंफर्म है और आई हार्वर्ड में, तो दीज टू आर डेफिनेटली फ्रॉम डिफरेंट टू कॉलेजेस। आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द आंसर। तो ये तीन क्वेश्चन थे इस सेट में, बाकी हमने ये तीन सेट आज डिस्कस कर लिए। तो आप जरूर चैनल मेरा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं आगे इसके और सॉल्यूशन बनाऊं और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये पहुंच सके। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था पिछली बार, इसलिए इसको डिटेल सॉल्यूशन में बना के दे रहा हूँ ताकि स्टूडेंट को आगे हेल्प हो जाए। तो जो भी प्रिपेयर कर रहा है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई गाइडेंस चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर गिवन नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सलमान सर क्लासेज, एंड अगेन फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दीज।
वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर दियर फ्यूचर। थैंक यू।